विंटर आ गई और विंटर के लिए जो मैं रिसेंटली यूज कर रही हूँ अपनी स्किन को ग्लास स्किन ग्लोइंग स्किन बना रही हूँ, मैक मामा के ये न्यू प्रोडक्ट्स न्यूली लॉन्च है और ये स्पेशली विंटर्स को देखकर ही डिजाइन किए गए और ये बहुत ही अमेजिंग सा वर्क करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, आपके हेयर्स के ऊपर, आपके हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, आपके क्रैक्स हील्स के ऊपर। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं शो करती हूँ कि वो प्रोडक्ट कैसे और आपकी स्किन पर क्या वर्क करते हैं। नंबर वन पर है ये एलोवेरा जेल जो आप नहाने के तुरंत बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट सी लगेगी। तो ये जो विंटर सीजन में है मैक मामा का एलोवेरा जेल ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, इसमें विटामिन ई है जो आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट बनाएगा। रिसेंटली मैंने नहाने के बाद जस्ट इसी को अप्लाई किया और मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ रिसेंटली, तो ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड होने वाला है, आप लोग भी इसको जरूर से ट्राई। मॉइस्चराइज करने के बाद धूप में अगर हम बाहर जाते हैं तो हमें अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने की भी बहुत जरूरत है, तो मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन, ये भी मैक मामा की है और साथ में हाइड्रा, ये एक जेल फॉर्मूला बहुत ही जल्दी आपकी स्किन के अंदर जो है अब्सॉर्ब हो जाती है। इसके अंदर है एलोवेरा जेल है इसके अंदर, साथ में इसमें शिया बटर है, साथ में इसकी विटामिन ई है और इसमें है नियासिनामाइड, एसपीएफ 50 पीए ट्रिपल प्लस है जो आपकी स्किन को डायरेक्ट रेज से जो है वो बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग रखेंगी, साथ में सन के साथ में पूरी प्रोटेक्शन देंगी। मतलब इस विंटर में आप अपनी स्किन को बहुत सारा जो है वो विटामिन डी दीजिए सन के साथ में और विटामिन ई दीजिए इस सनस्क्रीन के साथ में, तो आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगी काली नहीं होगी बल्कि बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग होगी विंटर की। और अगेन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है हेयर फॉल। विंटर्स में हमारा हेयर फॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन रिसेंटली मैं जब से मैंने ये स्टार्ट किया मैक मामा का ओनियन ऑयल शैम्पू तो ये इतना ज्यादा अमेजिंग वर्क करता है, मेरा हेयर फॉल जो है वो 90% तक कम हो गया। सोचिए आप, क्योंकि स्किन है और ओनियन आपको पता है कि हमारे जो हेयर्स होते हैं उनको हैवी बनाते हैं, हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं, साथ साथ जो आपका डैंड्रफ हो रहा है विंटर में उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो इसमें है ऑनियन ऑयल है और केराटिन भी है, एलोवेरा जेल भी है, बायोटिन है, आंवला है, ब्रजराज है, एलमोंड्स है, साथ में इसमें विटामिन ई है, विटामिन B3 है, विटामिन B6 है और ऑल स्किन टाइप के हेयर्स को ये सूट करता है। इतना अमेजिंग इसका रिजल्ट है ना, जस्ट आप इसको यूज करके देखेंगे। मैंने आज ही इससे अपना हेयर को वॉश किया और आप मेरे हेयर्स देख सकते हैं कितने ज्यादा सिल्की और सॉफ्ट लग रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग है। आप देख सकते हैं मेरे हेयर्स की शाइन देख सकते हैं जस्ट इसके साथ में यूज करके। विंटर्स में हमारी स्किन पे एक प्रॉब्लम और रहती है बहुत ज्यादा बोर रहती है, हमारे डार्क सर्कल, क्योंकि हमारा एक जो अंडर आई एरिया होता है ना यहाँ पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता। जब मॉइस्चर नहीं होता विंटर में इस एरिया पर एक तो रिंकल्स जल्दी पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, साथ में इस एरिया पर हमारे जो है वो फाइन लाइन रिंकल्स और बहुत सारे डार्क सर्कल होना स्टार्ट होते हैं। इसको जस्ट आपको इतना सा पंप स्टाइल में लेना होता है और बिल्कुल लाइट वेट और थोड़ा सा बस अपनी स्किन अपने अंडर आई एरिया पर लगाना होता है और आपको लगा के जस्ट नाइट में इसको सो जाना है, आपकी जितने भी डार्क सर्कल हैं वो बिल्कुल ही टाटा बाय बाय हो जाएंगे। आप जस्ट वन टाइम में इसको यूज करके देखिए, आपको रिजल्ट इसके इतने अमेजिंग लगने वाले हैं ना बहुत ज्यादा। मैं बहुत ज्यादा इसको यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ और सारा दिन मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ, वीडियोज वगैरह बनाती हूँ, नाइट राइट तक जागती हूँ, तो मेरे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो गए थे, लेकिन रिसेंटली मैंने इसको 1 मंथ से यूज करके सारे डार्क सर्कल को बाय बाय कर दिया। एक और अगेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे क्रैक हील्स, हमारे पैर बहुत ज्यादा फट जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, क्योंकि पैरों में ये रहता है ना कि हम जैसे जुराब वगैरह पहनते हैं, सॉक्स वगैरह पहनते हैं या फिर मॉइस्चराइजर इतना हमारी जो मॉइस्चराइज नहीं हो सकती। तो ये भी है मैक मामा की फूड क्रीम, ये हमारे पैरों को हाइड्रेटिंग बनाएगी, ग्लोइंग बनाएगी, एकदम सॉफ्ट बनाएगी। हमारी एड़ियां फट रही है तो आप अपनी एड़ियों पर भी लगा सकते हो। रिसेंटली मैं भी ये अपने विंटर्स में बहुत ही ज्यादा यूज कर रही हूँ, नाइट में सोते टाइम मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसमें है कैफीन है, इसमें कॉफी है साथ में, सॉरी इसमें कॉफी है, कैफीन है, साथ में इसमें पेपरमिंट डाला गया है जो एक कूलिंग सा इफेक्ट देता है, बहुत ही अमेजिंग सा देता है। साथ में शिया बटर है इसमें और ये भी ऑल स्किन टाइप्स वालों को सूट करती है। ऑल प्रोडक्ट्स जो डिजाइन किए गए हैं मैक मामा के वो सारे ऑल स्किन टाइप वालों के हैं, मतलब आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है या फिर नॉर्मल आपकी स्किन टाइप कोई भी है तो आप उनके प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। मैंने इस विंटर में जो ये सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया और मेरी स्किन, मेरे हेयर्स, मेरे हैंड्स, मेरे लेग्स, मेरा अंडर आई एरिया, मतलब फेस एकदम अमेजिंग हुआ है। अपनी स्किन को भी एकदम ग्लोइंग और सॉफ्ट सफल बनाइएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। लव यू ऑल, बाय।